बन गए हैं। ओहो, देखो फिर से सुन लो एक बार। स्पोरिजिनस टिश्यू जो कि स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होता है, उसके हर एक सेल को आप क्या बोलते हो? एमएमसी। और ये एमएमसी क्या करता है? ये 2N होता है, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करेगा तो चार सेल बनाएगा। अब चारों सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको जो किसकी वजह से जुड़े होते हैं? कैलोस की वॉल से जुड़े होते हैं। तो ये यहाँ पर चार तरह के आपके क्या बनेंगे? टेट्राड बन सकते हैं, अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के टेट्राड प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीनियर, बाइलेटरल, टेट्राहेड्रल और टी शेप होते हैं। और यही टेट्राड कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर। तो सपोज करो अंदर ही अंदर मियोसिस हो रहा है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, तो जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा वो सभी टेट्राड बना रहे हैं। अब बहुत सारे टेट्राड फिल हैं, लेकिन हमको पोलन ग्रेन हल्के चाहिए, भारी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये टेट्राड अलग अलग हो जाए, क्योंकि ये अलग अलग नहीं होंगे तो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन उड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक एंजाइम सिक्रीट करती है टेपिटम। जो टेपिटम सराउंड कर रही थी ना इसको, वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है, जो कि एंजाइम होता है कैलेज। और कैलेज एंजाइम की वजह से क्या होते हैं? ये चारों टेट्राड, चारों सेल टेट्राड से अलग हो जाते हैं। अब ये चारों सेल क्या है? एन है, मतलब हेप्लॉइड है, और इनको बोलते हो आप माइक्रोपोर। क्या इतनी चीज समझ आई? चलो यस मैम। तो जब इनको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, तो इसीलिए आप क्या बोलते हो उसको? एमएमसी बोलते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक माइक्रोस्पोर आगे जाके एक पोलन ग्रेन बनाने वाला है, तो 1 MMC से कितने पोलन ग्रेन या कितने माइक्रोस्पोर बने? चार। समझ पाए? यस मैम। ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर, ये एक माइक्रोस्पोर है, अब क्या होगा? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस थी, इसको बोलते हैं आप माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस जो कि अनइक्वल माइटोसिस होता है, यानी कि ये माइटोसिस तो होगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बनेगा और एक छोटा न्यूक्लियाई बनेगा इस तरीके से, एक ही सेल के अंदर। और इसी के अंदर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोमाइटोसिस, जो एक सेल के अंदर ही अंदर हो जाता है। ठीक है। और एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल बनता हुआ दिखेगा आपको। दिस बड़ा वाला सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, एंड छोटे वाले सेल को बोलते हैं आप जर्नी थी। जनरेटिव सेल। वेरी गुड। ठीक है। अब इसी टाइम पे ये जो माइक्रोस्पोर है, वो अपने ऊपर वॉल डेवलप करता है। एक कंटिन्यूअस वॉल बनती है, जिसको बोलते हैं आप इन टाइम। और एक बेटा डिसकंटिन्यूअस वॉल बनती है इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से। हाँ, इसको बोलते हैं आप एग्जाइम। ठीक है। अब देखो तीन जगह पे मैंने एग्जाइम एब्सेंट बनाई है, यहाँ पे और यहाँ पे बंद है और यहाँ पर भी है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर एग्जाइम नहीं होती है, एग्जाइम डिसकंटिन्यूअस होती है, जहां पर एग्जाइम नहीं होती है उसको बोलते हैं आप। जंपर वेरी गुड। ठीक है। तो ये हो गया अब आपका फुली डेवलप पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर इसको पोलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक माइटोसिस के बाद दो सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो सिमिलरली अगर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव की बात करेंगे तो जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब क्या होगा? मैक्सिमम मतलब मोर देन 60% पोलन आपके इसी स्टेज में होते हैं, यानी कि टू सेल स्टेज में। ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं? चेंजेस ये आते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन पहले ही, बिफोर पॉलिनेशन, और कुछ पोलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन क्या करते हैं? ये जनरेटिव सेल ही गैमेट बनाता है। अभी मैंने गैमेट की बात नहीं की ना यहाँ पे कहीं भी, जनरेटिव सेल लिखा है ओनली। तो जो मेन गैमेट बनने वाले हैं वो अभी बने नहीं है, वो बनेंगे। और वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा आपका जनरेटिव सेल। तो दिस इज एग्जाइम। तो ये बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन की बात है।
बिफोर पॉलिनेशन मैक्सिमम जो पोलन होते हैं वो 60% पोलन टू सेल स्टेज यानी कि यही वाले स्टेज में होते हैं, ठीक है। और कुछ पोलन होते हैं जो थ्री सेल स्टेज में पहले ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये है इंटाइन, ठीक है, ये इंटाइन हो गई। एंड इसके अंदर क्या है आपका, ये वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये डिवाइड नहीं करेगा बेटा। तो जो डिवीजन होता है अब जनरेटिव सेल में होता है। जनरेटिव सेल दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं और दो गैमेट बना देता है। सो दीज आर नोन एज मेल गैमेट। तो डिवीजन तो हुआ है, तो माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं, क्योंकि मियोसिस हो चुका, ठीक है, और माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में हुआ है, और माइटोसिस से बन गए दो मेल गैमेट। फिर से बात कर लेते हैं, ये है वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये इंटाइन है, इंटाइन, ठीक है, और ये है बेटा एग्जाइम, ठीक। अब बात करते हैं इंटाइन और एग्जाइम किसकी बनी होती है, तो इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज पैक्टिन की। यहां लिख देती हूँ मैं, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, एंड एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, एग्जाइन किसकी बनी होती है, स्पोरो स्पोर। पॉलिन, जो कि वर्ल्ड का हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, देखो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने वहां पे इसलिए समझाया क्योंकि ऐसे समझाते हैं तो समझ में आती हैं चीजें। चलो, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल बोल लो, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो, बेटा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होगी, जो कि मियोसिस करेगी। मियोसिस वन एंड टू का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ, मैम एक दो बार, एक बार रिडक्शन हाँ मैम। एक तो पहले होगी पीएमसी में, और टू एन से एन बना देगी टेट्राड, हाँ देखो वन और एंड टू फिर स्टेजेस उसके बाद होती है, मियोसिस वन एंड टू स्टेजेस होती है, मियोसिस दो बार नहीं हो रहा है, मियोसिस सिर्फ एक ही बार हो रहा है, उसकी दो स्टेजेस है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, समझे ओके नहीं समझे नहीं समझे क्या बोलो। मैम, वही तो एक ही प्रोसेस में मैम दो बार ही होंगे ना। हाँ वही तो, यस ठीक है, मैम, तो स्टेजेस बोला करो, मियोसिस दो बार, ऐसे नहीं कि पहला वाला, पहले मियोसिस में ये होगा दूसरे में, ना, मियोसिस वन मियोसिस टू स्टेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन फॉर्म होगा वन पीएमसी से कितने, चार, तो 1 mmc माइक्रोस्पोर मदर सेल या 1 pmc, एक ही बात है, वो क्या बनाएंगी, चार चार पोलन पोलन ग्रेन। ग्रेन। तो कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस हुए, एक मियोसिस और दो माइटोसिस हुए कि नहीं हुए यस मैम, एक पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आ गई, ये वही लिखा हुआ है। अब आप इसको अगर अच्छे से देख सकते हो तो बड़ा, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस वन दो सेल बनी, मियोसिस टू चार सेल बनी, यहाँ तक हो गया है रिडक्शन। तो अब ये एन है, सेपरेशन हुआ, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा सेपरेशन में, वो सी से कुछ था, हाँ क्या था, CALASC। कैलेज, क्या था, कैलेज मैम क्या था, कैलेस। कैलेज, ओके मैम, ठीक है। तो ये क्या है, कैलेज। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, हाँ, तो यहाँ पर देख लिया था अपन ने, चार माइक्रोस्पोर बने थे, हर एक से ये बना है आपका पोलन ग्रेन। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंटिन्यूअस कौन सी होती है, तो इनटाइम कंटिन्यूअस होती है और एग्जाइम डिसकंटिन्यूअस होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्लियर हो गया है, सेल्यूलोज पेक्टिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जम्पोर जहां से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर एग्जाइम बहुत ज्यादा हार्ड है और
वो कंटिन्यूअस होगी, तो अगर एक भी रास्ता नहीं होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी कैसे? तो पोलन ट्यूब को जर्मिनेशन के लिए छोटे छोटे से क्या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोनोकॉट में सिंगल एंड डाइकॉट में तीन प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, याद रखना। तो मोनोकॉट के केस में मोनो कॉल्पेट कहा जाता है इसको, और डाइकॉट में ट्राई पोरेट या ट्राई कॉल्पेट, पोरेट या ट्राई कॉल्पेट कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन। तो पोलन की स्टडी को पेलाइनोलॉजी कहा जाता है, और पोलन फॉसिल्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, बहुत पुराने पुराने पोलन। क्यों? क्योंकि पोलन की एक वायबिलिटी होती है, पोलन वायबिलिटी, यानी कि अगर आज पॉलिनेशन हुआ है तो वो कितने घंटे के अंदर एक्टिव रहेगा, कितने घंटे तक जिंदा रहेगी उसके अंदर के सेल्स, तो ये वेरी करता है। वायबिलिटी का मतलब है कि कब तक लिविंग स्टेट में रहेगा, तो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है, सम आवर्स, 1 आवर या 1 to 3 आवर मान लो। तो ये आपको राइस, वीट, इनके अंदर मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी हो सकता है, इयर्स के लिए भी आपको पोलन वायबल मिल सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स में आपको एग्जाम्पल वगैरह सब लिखे हुए हैं, एक बार किसी से भी जो जिससे तुम्हारा फ्रेंडशिप है उससे अपने नोट्स मतलब कॉपी करवा के, फोटो या स्कैन करवा के मंगवा लो, एक बार उसको पढ़ लो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जो याद करने लायक है, ठीक है। तो तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, इस वजह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो पोलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंज्यूम्ड एज सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट या बाकी सारी एलर्जी के तौर पे जो एस्थमा वगैरह होता है वो पोलन की वजह से किसी किसी को ज्यादा हो जाता है, पोलन एलर्जी होती है। हवा में पोलन प्रेजेंट होते हैं हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये आपको दिखेंगे नहीं, पाउडर के फॉर्म में होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी कई सारे, ये जो एग्जाइन प्रेजेंट होती है इसमें, उसकी वजह से क्या होती है, पोलन एलर्जी भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक जैसे कि जीन बैंक होता है ना, उसी तरीके से पोलन बैंक होता है कि आपको तरह तरह के पोलन, अलग अलग शेप के, साइज के, अलग अलग प्लांट के, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके भी पोलन आप संभाल के रखे हुए हो आज। तो वो कितने डिग्री पे संभाल के रखते हैं, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री सेल्सियस पे संभाल के रखते हो, एंड दैट इज प्रिजर्वेशन इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब होता है फ्रीज, किसी भी चीज को जब फ्रीज करके प्रिजर्व करते हैं तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या यहाँ से आए थे या इसको भी एक्सप्लेन करूँ? मैम बस इतना ही था। इतना ही था पक्का? और ये जो बीच में हाँ एब्सेंट मैम हुए थे तुम, तुम्हारी कब? तबीयत खराब हुई थी जो...